हेलो फ्रेंड्स, एक नए रिएक्शन के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ। और आज का जो मेरा रिएक्शन रहने वाला है वो खेसारी लाल यादव के एक सॉन्ग पे रहने वाला है, और भोजपुरी होली सॉन्ग है। वैसे ये मामला चोरी है, तो देख लेते हैं हम सबसे पहले वीडियो। और इसमें रहेंगे खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज, और टाइटल है मामला चोरी का। तो देख लेते हैं हम वीडियो सबसे पहले, उसके बाद देंगे अपना रिएक्शन। क्यों है? चिंता ना पूरे कुछ जब सामने के लगता रात में से तो शादी में तो सब डिफर आएगा वैसे। ऐसे काम करने अरे बैरूफ गाना हो गया खत्म। तो कैसे लगा आप लोगों को गाना? मुझे काफी अच्छा लगा। ये ना स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा क्या था कि चोरी का मामला था इनका एक, और जो भी इतनी बड़ी कपड़ों की चोरी की गई थी उसके स्टार्टिंग में, और वही नोकझोंक थोड़ी सी। समय होली का था, उस समय उसके कपड़े चोरी कर दिए जिसकी वजह से वो रिपोर्ट लिख पा रहे थे, इस पे सॉन्ग बनाया गया इन लोगों ने। तो काफी अच्छा लगा मुझे सॉन्ग। और मुझे लगता है इनके सारे सॉन्ग जो है वो नाइट में ज्यादा सूट होते हैं, क्योंकि मैं भोजपुरी सॉन्ग जो देखती हूँ ना वो लाइटिंग की वजह से मुझे लग रहा है ऐसा करते हैं। तो काफी अच्छा लगा मुझे सॉन्ग, इसीलिए आप लोगों का इतना ज्यादा कमेंट आ रहा था इस पे कि रिएक्शन दो करके। और तभी इतने टाइम से ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है सॉन्ग। अगर ऑल ओवर की बात करें ना तो गाना मुझे काफी अच्छा लगा, और डांस भी इसमें दरोगा और लड़की की आपस में नोकझोंक को लिखी थी दरोगा जी, मतलब मामला चोरी का है करके। काफी अच्छा लगा यार मुझे सॉन्ग, मतलब ना थोड़ा ऐसे लग रहा था होली वाली वाइब। होली से पहले सॉन्ग निकाल दिया इन्होंने, तो ये होली पे धूम मचाने वाला है भाई। तो देखो किस किस की रिपोर्ट लिखते हैं अब दरोगा जी फाइनली।
मुझे काफी अच्छा लगा, भोजपुरी होली सॉन्ग था ये खेसारी लाल यादव का। आप लोगों को कैसा लगा? और आप लोगों तो देख ही लिया होगा इसलिए आपने बोला कि रिएक्ट करने के लिए। नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो सॉन्ग था वो डाला था खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से। बाय बाय गाइस।